नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप लोगों को पता ही होगा यार, मैं हॉलीवुड के उन मूवीज के बारे में बताता हूं जो हिंदी में डब हुई होती है। वैसे तो आजकल बहुत सारी मूवी हिंदी में डब हो चुकी है, लेकिन हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मूवी देखें और कौन सी मूवी ना देखें। तो आ गया हूं मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी खराब है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ डीप ब्लू सी मूवी के बारे में। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी को रेनी हर्लिन ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी के लीड रोल में शेफरिन बोरोस, थॉमस जेन, एलएल कूल जे एवं सैमुअल एल जैक्सन हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी का स्टोरी की। सुजन नाम की एक डॉक्टर है जो अल्जाइमर बीमारी के इलाज पर काम कर रही है। सुजन का रोल सैफरिन बोरोस ने प्ले किया है। सुजन और उसकी टीम समुद्र के अंदर बने एक प्रयोगशाला में शार्क पर टेस्ट करती है। ये लोग शार्क के प्रोटीन से अल्जाइमर बीमारी का दवा बनाना चाहते हैं। इनके प्रयोगशाला में 3 शार्क हैं जिस पर ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर एक शार्क एक्सपर्ट भी मौजूद है जो शार्क की देखभाल करता है। शार्क एक्सपर्ट का रोल थॉमस जेन ने प्ले किया है। रसल नाम के एक व्यक्ति के पैसे से ये प्रयोगशाला चलती है। रसल ये और पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। सुजन रसल से कहती है कि अगर ये लोग दवाई बनाने में कामयाब हो गए तो इससे करोड़ों का फायदा होगा। रसल जानना चाहता है कि उसके पैसे का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसलिए वह प्रयोगशाला को देखना चाहता है। रसल का रोल सैमुअल एल जैक्सन ने प्ले किया है। अल्जाइमर की दवा बनाने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए था उतना प्रोटीन इन शार्क के दिमाग में नहीं बनता है, इसलिए ये लोग शार्क के दिमाग को ही बड़ा कर देते हैं ताकि ज्यादा प्रोटीन बन सके। दिमाग बड़ा हो जाने के कारण शार्क और भी बुद्धिमान हो जाती है। आप लोगों को पता ही होगा कि शार्क सबसे ज्यादा बुद्धिमान मछली है। ज्यादा बुद्धिमान हो जाने के कारण शार्क प्रयोगशाला से भागना चाहती है, इसलिए वह लोगों को मारना शुरू कर देती है। यहाँ के प्रयोगशाला में एक कुक है जिसका रोल एलएल कूल जे ने प्ले किया है। इस कुक का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मूवी देखते वक्त लगेगा कि ये कुक तो अब मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में आपको पता चलेगा कि ये कुक तो बहुत बहादुर है। तो शार्क कैसे कैसे लोगों को मारती है और कौन कौन अंत तक जिंदा बचता है, ये जानने के लिए मूवी देखें। ये अगर बात करें मेरी ओपिनियन के इस मूवी के बारे में, तो मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी मूवी है। मैं इसी तरह हॉलीवुड मूवीज का रिव्यू करता हूँ जो हिंदी में डब हुई होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन मूवी कैसी है और उसका स्टोरी क्या है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं घंटे को भी हिला दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।